हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी फुटबॉल होस्ट आकाश त्यागी। तो आज हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेलियन लीग का मैच वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स वर्सेस एडिलेड यूनाइटेड। इस वीडियो में हम हमेशा की तरह बात करेंगे लास्ट रिजल्ट्स, प्रोबेबल लाइनअप एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की भी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बता दें दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर, करेले का जूस। मैंने तो कैपुचिनो ऑर्डर किया था। मैंने आपको विजन 11 की टीम में लिया है, तो आपकी फिटनेस की केयर तो करनी पड़ेगी ना। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीम्स के पास्ट रिजल्ट्स की। अगर हम बात करें वेस्टर्न सिडनी की, तो वेस्टर्न सिडनी ने अपना लास्ट मैच 4-0 जीता था अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स सिडनी FC इन अ सिडनी डर्बी, जिसमें गोल स्कोरर्स थे क्यूसिनी येंगी, एमोर लेओनी जिन्होंने 2 गोल स्कोर किए थे, एंड केलम न्यूवेनहॉफ। वहीं अगर हम बात करें एडिलेड यूनाइटेड की, तो वो भी अपना लास्ट मैच 5-1 जीत कर आ रहे हैं अगेंस्ट वेलिंगटन फीनिक्स, जिसमें गोल स्कोरर थे स्कॉट पोर्टमैन जिन्होंने ओन गोल स्कोर किया था, लुका जोवावोनिच, लैशलन बार, हिरोशी इबुसुकी एंड क्रेग गुडविन। अब बात करते हैं लीग स्टैंडिंग्स की। तो अगर बात करें वेस्टर्न सिडनी की, तो ये अभी है थर्ड पोजीशन पर। इन्होंने खेले हैं 21 मैचेस जिसमें इनके हैं 34 पॉइंट्स और इन्होंने स्कोर किए हैं 31 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 18 गोल्स। वहीं अगर हम बात करें एडिलेड यूनाइटेड की, तो ये हैं अभी सेकंड पोजीशन पर। इन्होंने भी खेले हैं 21 मैचेस जिसमें इनके हैं 37 पॉइंट्स, जिसमें इन्होंने स्कोर किए हैं 44 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 34 गोल्स। तो शायद यहां हम कह सकते हैं कि एडिलेड के पास एक थोड़ी सी एज है ओवर वेस्टर्न सिडनी। अब बात करते हैं प्रोबेबल लाइनअप्स की। सबसे पहले वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स की। अगर बात करें टीम की, तो इनके 2 स्टार प्लेयर्स लेयोनी एंड न्यू वेनहॉफ अपनी अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी से अभी वापस नहीं आए हैं और इस मैच में शायद अवेलेबल नहीं होंगे, बट इनके 3 डिसेंट प्लेयर्स मॉर्गन श्नाइडरलिन, गेब्रियल क्लेयर एंड टॉमी मसेला वापस आ चुके हैं और शायद अवेलेबल होंगे सिलेक्शन के लिए। हमारे अकॉर्डिंग ये एक 4-4-1-1 फॉर्मेशन से उतर सकते हैं। अगर बात करें डिफेंस की, तो चारों डिफेंडर क्लेयर, मर्सेला, मार्सेलो, ट्रेओरे एक डिसेंट पिक है एंड चारों ही गोल थ्रेट्स भी हैं, जो कि डिफेंसिव पॉइंट्स के साथ साथ गोल्स या असिस्ट के पॉइंट्स भी दे सकते हैं। अगर बात करें मिडफील्ड की, तो अमाल फिटानो, श्नाइडरलिन ये दोनों ही पासिंग, इंटरसेप्शंस एंड टैकल से अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। अमाल फिटानो एक मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है जिनकी पोजीशन फिक्स ही नहीं है। ये राइट बैक से लेके मिडफील्डर एंड इवन स्ट्राइकर भी खेल चुके हैं एंड हमारे लिए एक मस्ट पिक हो सकते हैं। इनके आगे खेल सकते हैं येंगी, जो कि एक कॉन्स्टेंट थ्रेट है और काफी डिसेंट पिक है। लास्टली इनके स्ट्राइकर ब्रैंडन बोरेलो एक मस्ट पिक होंगे और ये आराम से गोल या असिस्ट के पॉइंट दे सकते हैं। इवन हमारे लिए एक डिसेंट कैप्टन या वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं एडिलेड यूनाइटेड की, तो इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जैसे कि हैरी वेंडरसाग, जॉर्ज ब्लैकवुड, जोश कवालो, युवेंडे एंड स्टीवन हॉल अवेलेबल नहीं होंगे, बट इनके बावजूद हमें ऐसा लगता है कि इनकी स्क्वाड एक वेल असेंबल स्क्वाड है जो कि थोड़ी एज रखते हैं ऊपर ओवर वेस्टर्न सिडनी। ये शायद 4-2-3-1 फॉर्मेशन के साथ उतर सकते हैं। इनके भी चारों डिफेंडर्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी रेगुलर बेसिस पर गोल्स या असिस्ट देते रहते हैं, खासकर लेफ्ट बैक रियान किटो जो कि एक कॉन्स्टेंट असिस्ट एंड गोल थ्रेट रहते हैं और फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक मस्ट प्लेयर है। इनके बाद काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे डी आरेगो एंड इसाइस, ये दोनों हमें मिडफील्ड से इंटरसेप्शंस, टैकल्स एंड पासिंग के अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। इसाइस एक CDM टाइप खेलते हैं एंड डी आरेगो थोड़ा अटैकिंग जोन्स में भी ऑपरेट कर सकते हैं। इनके बाद हमारे लिए मस्ट पिक हो सकते हैं जैक क्लाउ, जो कि गोल एंड असिस्ट से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। इनके साथ होंगे हैलोरन, शायद अभी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है बट एक काफी डिसेंट प्लेयर हो सकते हैं। इनके स्ट्राइकर जोवानोविच अभी एक डिसेंट थ्रेट है और शायद 60-65 मिनट्स के बाद इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं एक और अटैकिंग प्लेयर हिरोशी इबुसुकी, जिन्होंने पिछले मैच में गोल भी स्कोर किए थे, जो कि एक और डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की। हमारे अकॉर्डिंग एडिलेड यूनाइटेड को यहां थोड़ी एज है ओवर वेस्टर्न सिडनी एंड ये मैच शायद 2-2 ड्रॉ या फिर 3-2 एडिलेड के लिए एक विन हो सकता है। हमारा कॉम्बिनेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। गोल में होंगे गौची एंड
हमने दो फुल बैक्स लिए हैं एडिलेड से, जो कि हमारे अकॉर्डिंग मस्ट पिक होंगे। उनके साथ साथ हमने दो डिफेंडर्स लिए हैं सिडनी से, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, जो कि होंगे ट्रेवरे एंड मसेला। मिडफील्ड में हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को पिक किया है, अमाल फिटानो, डियागो, इसियास, सैंचेस एंड जैक क्लाउ, और अटैक में दोनों डेंजरस एंड मस्ट पिक्स बोरेलो एंड गुडविन को। कैप्टन हमने किया है गुडविन को एंड वाइस कैप्टन किया है बोरेलो को। आप चाहे तो उसका रिवर्स भी कर सकते हैं, आप शायद एक डिफेंडर हटा के येंगी भी ले सकते हैं एंड उन्हें भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं अगर आप वेस्टर्न सिडनी को एज देते हैं ओवर एडिलेड। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा प्रीव्यू ऑस्ट्रेलियन लीग के मैच वेस्टर्न सिडनी वांडरर्स वर्सेस एडिलेड यूनाइटेड का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब वीयू स्पोर्ट चैनल। थैंक यू।